अभी हम लोग हैं बिग बाज़ार जो चांदनी चौक वाला है वहाँ पर, और आज हम लोग जाने वाले हैं पत्रा। तो इसी के लिए मैं आई हूँ बस ढूंढने के लिए। इस साइड में बहुत सारी बसेस लगी हुई हैं, इनमें से कौन सी जाएंगी आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी, जाते हैं देखते हैं। उस साइड जाएगा ना, उस साइड वाला जाएगा ना, पता नहीं, पता करना होगा, देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमें बस मिल चुकी है, यहाँ पर पीछे में है ये बस जो कि हमें लेकर जाएगी पत्रा। तो ज़्यादा पीछे मत जाइए। हाँ हमने ले लिया है यहाँ पर टिकट, और टिकट का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। आपको बस लेना होगा चांदनी चौक से पत्रातू के लिए, नहीं आपको चांदनी चौक ही आना होगा जहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ा। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ये पूरा है चांदनी चौक का एरिया। आप बिल्डिंग जो बड़े बड़े देख रहे हो ना, ये सारा चांदनी चौक में साइड का जो एरिया है ना, काफ़ी मतलब अच्छे से वेल एस्टेब्लिश करके बनाया गया सारा। अभी नया नया है ये साइड का एरिया बना है, और मुझे तो लगता है कि मैं इस साइड काफ़ी सालों के बाद आ रही हूँ, 3 ईयर्स हो चुके मुझे इस साल मतलब इस एरिया में आए हुए। बहुत कुछ नया देखने को मिला, इवन मैंने तो नया वाला बिग बाज़ार भी नहीं देखा था, वो भी आज देखा है। अभी मैं बस से उतर रही हूँ तो आपके लिए सब यहाँ पर मिल रहा है कुछ कुछ पॉपकॉर्न वगैरह। भाई एक पॉपकॉर्न दे दीजिएगा 10 वाला, ज़्यादा नहीं कम है। पॉपकॉर्न तो ले लिया, वापस अब चढ़ते हैं बस में। बस काफ़ी स्टाइलिश है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्राइवर का सीट वगैरह एंड काफ़ी अलग से है। एटलीस्ट पिछले बार जिस बस पे हम लोगों ने ट्रैवल किया था रांची से जमशेदपुर जाते वक्त, उससे तो खैर काफ़ी बेहतर सा है। अभी 11:15 हो चुके हैं और हमारी बस खुल चुकी है यहाँ से। यहाँ से पत्रातू की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई गेस 1 घंटा लगना चाहिए। इस साइड में लोकल मार्केट लगा हुआ है सुबह सुबह का। गाइज अभी बस इतनी धीरे चल रही, इतनी धीरे अभी चला रहे ना, पता नहीं क्यों चला रहे इतने धीरे कि मोटरसाइकिल वाले तक, साइकिल वाले तक भी आगे चले जा रहे हैं। यार इतना स्लो कौन चलाता है। अब हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तक। एरिया देखो आप कितना नीट एंड क्लीन। आई गेस इस साइड का एरिया है कोई हार्ट बाजार टाइप, मुझे नहीं पता। जो यदि कोई इस साइड के एरिया वाले लोग देख रहे होंगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये साइड वाकई में हार्ट बाजार वगैरह लगता है क्या, देखकर तो लग रहा है। और यहाँ से देखिए पत्रातू 28 किलोमीटर से हो रहा है। बस बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है सीरियसली वाली, ऊपर से इतने ज़्यादा रुक रुक के चल रही है कि बहुत इरिटेशन हो रहा है मुझे। ऑलरेडी इतनी लेट हूँ मैं, मुझे सुबह सुबह ही जाना था बट उठ नहीं पाई, एंड दैट्स वाई अब बज चुके हैं 11 बज गया यार। नाउ वी हैव रीच्ड बुकरू एरिया। हम लोग बुकरू तक पहुँच चुके हैं। एक्चुअली मैंने लिखा देखा था वहाँ पे बुकरू ब्रांच लिखा हुआ था, इसी से बता रही हूँ मैं इस साइड नहीं आई हूँ, और आई भी थी तो बहुत पहले, वो भी शाम के टाइम में आई थी तो कुछ भी पता नहीं था। वैसे पत्रातू की यदि बात की जाए तो पत्रातू हिली एरिया ही है, पूरा पहाड़ काट काट कर रास्ता बनाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपना पूरा घुमावदार रास्ता के लिए। अभी तक तो वो वाला रास्ता आया नहीं है। नाउ वी हैव रीच पिठोरिया। अभी पिठोरिया के मार्केट से ही गुजर रही है हमारी बस। ये है पूरा अंबेडकर चौक। प्योर वे पैसेंजर्स बस में चल रहे हैं पिठोरिया में।
खेदरे वैली की तरफ बढ़ रहे हैं और अगल बगल आप देख सकते हो पूरा पहाड़ काट करके रास्ते को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यही वजह है कि लोग हमेशा पतरातू घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ से आप वेज जो देख रहे हो ना, पूरा टर्निंग वाला है, यहाँ से कभी नीचे होता है कभी ऊपर। ये जगह वीकेंड्स वगैरह भी सेलिब्रेट करने के लिए या फिर थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप इस एरिया में आना चाहते हैं तो हमारी तरफ बस से आ सकते हैं, अदरवाइज आपकी खुद की अगर व्हीकल है उससे आओगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग और अच्छे से मज़ा ले पाओगे। क्योंकि हमें तो बस व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर फोटो वगैरह खुद भी नहीं क्लिक करा पाई, क्योंकि इसके लिए हम लोग को बीच में ही रुकना पड़ता। फिर पता नहीं उस टाइम से गाड़ी मिलती नहीं मिलती, कितना लेट हो जाता, क्योंकि आगे भी हम लोग को बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। ये तो सिर्फ रास्ते हैं, आगे का नज़ारा तो भी बाकी है, जो कि हमें मिलेगा मेन पतरातू पहुंचने पर, क्योंकि पतरातू पूरा एडवेंचर हब बन चुका है। मैं लास्ट जब आई थी आई थिंक दिसंबर 2016 में शायद मैं लास्ट आई हूँ, या फिर जनवरी 2017 तक मैं लास्ट आई थी। आफ्टर दैट क्या कुछ चेंज हुआ है मुझे कुछ भी नहीं पता, बस जो भी देखा है फ़ोटोज़ में देखा है, आज रियल में देखूँगे इतने सालों के बाद। नीचे खाई देखिए कितनी ज़्यादा खाई, और उस पर चल रहे हैं हम लोग। और दोस्तों यहाँ पर से पूरा सुंदर वाला जो इलाका है मेन पतरातू वैली, ये शुरू होती है और यहाँ पर लोग आपको फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हुए मिल जाएंगे। आप लोग भी यहाँ पर उतरकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। और वहाँ पर दूर में आप लोग को घर वगैरह भी बहुत छोटे छोटे दिखेंगे यहाँ से। और ये जो इलाका है बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और साथ ही साथ ये सी लेवल से 1300 फिट ऊपर है। अभी हम लोग 1300 फिट ऊपर चल रहे हैं, सोचिए कितना ज़्यादा नीचे गहराई होगी, खाई का व्यू, साथ ही साथ ये छोटे छोटे घर, पहाड़, बहुत ही अच्छा वाला व्यू आता है। तो आप लोग भी अगर आते हो तो आप लोग हमारी तरफ भी आ सकते हो बस से, या फिर अगर खुद का व्हीकल है तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये देखिए ऊपर में लोग वहाँ पर थे फ़ोटो खिंचाते हुए, और यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। उस साइड आपको दूर में दिख रहा होगा पतरातू डैम, काफ़ी बड़ा सा वो पूरा एरिया पतरातू डैम का है, और ये है हमारी पतरातू वैली। हमारी जस्ट आगे देखिए कोयला से भरा हुआ ट्रक जा रहा है, क्योंकि इस साइड पूरा कोयला का माइंस वगैरह है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं शिमला में हूँ, रांची में नहीं। रामगढ़ का ये जो पूरा इलाका है काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि पूरा तो पहाड़ में बना हुआ है पहली बात, और हर तरफ आपको पूरा कोयला का माइंस देखने को मिलेगा। रामगढ़ में पहले भी आ चुकी हूँ, कुजू एरिया बेसिकली मैं आई हूँ, और मैंने देखा है उस साइड का, काफ़ी अच्छा लगता है। और पतरातू तो भाई ये भी प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये मुझे रांची आने के बाद पता चला था, मुझे इसका पहले कोई आइडिया नहीं था। पहले मैं कुछ ज़्यादा घूमती फिरती नहीं थी, बट अब ऐसा हो गया कि यूट्यूब चैनल बन चुका है वो भी यार ट्रैवल ब्लॉग्स का चैनल, ऑब्वियसली खुद भी घूमती हूँ साथ साथ आप लोग को भी दिखा पाते हो, अच्छा लगता है। और आप लोग को भी यदि मेरे वीडियोज़ देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके बताइए कितना ज़्यादा पसंद है। अब हम लोग नॉर्मल सड़कों पर आ चुके हैं, नॉर्मल सड़कों का भी व्यू काफ़ी अच्छा सा देखने को मिलता है। इन सारे व्यूज़ को जब आप नेचुरल आंखों से देखते हो ना, जैसे कि मैं देख रहे हूँ, तो उसका एक अलग ही बात होता है। इसलिए अगर आप कभी भी इस एरिया में रहते हो यहाँ ज़रूर आइएगा। Now we have reached to Patratu Dam.
मतलब पतरातू डैम नहीं, जेम डैम तो शायद आ गया होगा, पतरातू लेक मेरे जस्ट पीछे है। बस पर जान लीजिए, व्यू दिखेगा आपको अच्छे से। ये जो पूरा देख रहे हो ना, यही है पतरातू लेक। और अभी हम आगे जा रहे हैं, तक गंदा स्मेल आता है, उल्टी आ रही है। ऊपर से इतना ज़्यादा टर्निंग टर्निंग वाला रास्ता, दिमाग घूम गया, उल्टी भी आ रही है, सच बता रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में यार इतना ज़्यादा चेंजेस आया है ना पतरातू वैली वाला एरिया में, देखते देखते धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब कुछ बनते गया। ये रिजॉर्ट काफ़ी खूबसूरत सा बन गया है इस साइड। अच्छा, इधर पलानी वाटरफॉल है। पलानी वाटरफॉल के बारे में बोल रहा था वो। इधर से 3.5 किलोमीटर में पलानी वाटरफॉल है। तो यहाँ आ चुका है हमारा फ्रेंड और आज यही हम लोग को घुमाने वाला पतरातू लेक रिजॉर्ट। पीछे ये रहा लेक रिजॉर्ट जो कि अभी न्यू ही बना है और ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारा ये जो बस जर्नी वाला वीडियो है ये यहीं ख़त्म होता है। बाकी जो भी वीडियोस हैं आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पर, बैक टू बैक ब्लॉग्स आते ही जाएंगे एंड जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे सब चीज़ आप लोग को दिखाएंगे अपने चैनल पर। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।